Assalamu alaikum dear students, I hope that all of you would be enjoying good health. In today's class we are going to start part 2 of your book. आपको पता है कि part 2 जिसका title है heroes, इसमें आप 5 historical figures के बारे में पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक society के मुख्तलिफ section से है. political leaders हैं, scientific हैं और scientific field से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने इल्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है. आपके बेटे इस पार्ट में से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से यू हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस एंड ईच आंसर कैरीज 2 मार्क्स, यानी 12 नंबर का इसमें से आप पार्ट पूछा जाएगा. तो आपका पहला लेसन जो इसमें है, दैट इज़ फर्स्ट ईयर एट हैरो. हैरो बेटा इंग्लैंड का एक बहुत मारूफ स्कूल है और ये ऐसे लिखा है सर विंस्टन चर्चिल ने. अब सर विंस्टन चर्चिल कौन है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे थे. तो इस ऐसे में विंस्टन चर्चिल बताते हैं अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कि उनका स्कूल का एडमिशन उन्होंने किस तरीके से किया. तो दिस ऐसे इज़ कंसीडर्ड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे, यानी ये उनकी एक खुद नोश्त है. ऑटोबायोग्राफी होता है कि जब कोई राइटर अपने बारे में अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है. So, let's start reading. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examination. मैं अभी मुश्किल से 12 साल का ही हुआ था. So, scarcely का मतलब है hardly, मुश्किल से. When I entered the inhospitable region of examination, जब मैं इम्तहान के inhospitable अनफेवरेबल यानी नासाजगार मरहलों में दाखिल हो गया. रीजन्स का मतलब है मरहले, फेजेस. थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स आई वॉज डिस्टाइंड टू जर्नी. ये वो साल थे जिनमें अगले 7 सालों तक आई वॉज डिस्टाइंड, ये मेरे मुकद्दर में था, ये मेरी किस्मत में था टू जर्नी, कि मैंने सफ़र करना है. अ मोमेंट बेटे, ये जो वर्ड है आप इसको बोलेंगे डेस्टिंट, डेस्टाइंट नहीं, आप इसको डेस्टिंट बोलेंगे. सो आई वॉज डेस्टिंट टू जर्नी, ये मेरे मुकद्दर में लिख दिया गया था कि मैंने इस सफ़र में से गुजरना है. दिस एग्जामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, ये इम्तहान मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश थे. सो ट्रायल का मतलब होता है ट्रबल, कोई टेस्ट. द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीड लीस्ट. अब राइटर बताता है कि जो सब्जेक्ट उसको पसंद थे, डियरेस्ट का मतलब है जो पसंद थे, जो अपीलिंग थे राइटर के लिए, एग्जामिनर के लिए, वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, इनवेरिएबली हमेशा, ऑलवेज हमेशा वही थे आई फैंसीड लीस्ट, जो मुझे कम से कम पसंद होते थे. सो फैंसी होता है जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, व्हेन यू लाइक समथिंग. तो राइटर को जो सब्जेक्ट पसंद थे, एग्जामिनर को वो सब्जेक्ट नहीं पसंद थे, और जो एग्जामिनर की चॉइस थी राइटर उन सब्जेक्ट से दूर भागता था. आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग एसेज. राइटर कहता है कि उसको हिस्ट्री, पोएट्री और एसेज में दिलचस्पी थी. द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स. लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जामिनर्स थे उनका झुकाव लैटिन और मैथमेटिक्स की तरफ था. पार्शल टू होता है पसंद करना, किसी चीज़ को लाइक करना. एंड देयर वी प्रिवेल्ड, और उनकी मर्ज़ी ही प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब होता है गालिब आ जाना, छा जाना, डोमिनेट कर जाना. मोर ओवर द क्वेश्चंस व्हिच दे आस्क्ड ऑन बोथ दी सब्जेक्ट्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज टू व्हिच आई वाज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर. अब एक तो मज़ामीन पसंद नहीं, और दूसरा उस पर मजबूरी क्या हो जाती है कि उन नापसंदीदा मज़ामीन के बारे में भी सवाल वो पूछे जाते हैं जिनका राइटर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकता. सो सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है तसल्ली बख्श, रीजनेबल. आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो. अब ये अलमिया हर स्टूडेंट का है कि हर स्टूडेंट कहता है कि हमसे वो पूछा जाए जो हम जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमेशा वो पूछा जाता है जो हम नहीं जानते. सो दिस इज़ वॉट राइटर इज सजेस्टिंग. दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिडंट नो. एग्ज़ाम में हमेशा मुझसे वो पूछा गया जो मुझे नहीं आता था.
When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. जब मुझे मेरी मर्जी से मेरे इल्म का इजहार करने दिया गया तो willingly का मतलब होता है खुशी खुशी happily, display होता है जाहिर करना शो करना manifest करना. They sought to expose my ignorance. तो examiner क्या करते They sought. वो कोशिश करते They try to expose. कि वो जाहिर कर दें वो clear कर दें bring to surface my ignorance. मेरी ला इल्मी को मेरे lack of knowledge को. तो जब मैं अपना इल्म उनको बताने लग जाता तो वो ऐसे सवाल को रेत के लाते जिनका जवाब मुझे नहीं होता ताकि मेरी ला इल्मी को जाहिर कर सकें. This sort of treatment had only one result. इस तरह का जो बर्ताव है जो रवैया है ट्रीटमेंट का मतलब रवैया बिहेवियर उसका एक ही नतीजा निकला आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन कि मैंने इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई. दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो और ख़ास तौर पे हैरो का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो दाखिले का इम्तहान था ये बात उसमें सही साबित हुई. The headmaster, Mr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. लेकिन वहाँ के जो headmaster थे however का मतलब होता है anyhow, at any rate, Mr. Weldon जिनका नाम था he took a broad-minded view, उन्होंने open-mindedness से उन्होंने वुसत नज़री से मेरा Latin का पर्चा देखा. सो prose होता है जब आप उसमें कोई written work करते हैं नसर लिखते हैं प्रोज आप नसर को बोलते हैं. ही शो डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल अबिलिटी उन्होंने दिखाई डिसर्नमेंट इंटलेक्ट यानी जहानत दिखाई इन जजिंग माई जनरल अबिलिटी मेरी काबिलियत को अमूमी काबिलियत को देख के यानी जिस तरीके से हेडमास्टर ने मेरी अमूमी काबिलियत को जाना तो मैं कहूँगा कि ये भी उनकी फहमो फरासत है उनकी दानिशमंदी है. This was the more remarkable because I was found unable to answer a single question in a Latin paper. अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो क्यों हेडमास्टर की दानिशमंदी के का कायल हो रहा है उसके मुताबिक this was the more remarkable. उसके मुताबिक हेडमास्टर की जो इंटेलेक्ट जो जहानत थी वो बड़ी गैर मामूली थी रिमार्केबल थी बिकॉज ही वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन द लैटिन पेपर क्योंकि वो लैटिन के पेपर के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था. आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज मैंने पेज के बिल्कुल टॉप पे ऊपर अपना नाम लिखा. आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन वन उसके बाद क्वेश्चन का नंबर लिखा. आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट और बड़ी रिफ्लेक्शन के बाद सोच विचार के बाद मैंने उस वन के गिर्द ब्रैकेट लगा दी. बट देयर आफ्टर आई कुडंट थिंक ऑफ एनी थिंग कनेक्टेड विद इट और उसके बाद मैं उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं सोच सका. दैट वॉज ईदर रेलिवेंट और ट्रू जो या तो उससे रिलेटेड होती या फिर सही होती. इंसिडेंटली देयर अराइव फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट इंसिडेंटली इतफाकिया तौर पर इट सो हैपेंड एक्सीडेंटली के फ्रॉम नोवेयर कहीं से एक धब्बा ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा एक स्टेन उड़ता हुआ आ गया एंड सेवरल स्मजेस और उसके साथ बहुत सारे निशाना बहुत सारे स्टेन्स. आई गेज फॉर टू होल आवर्स एट दिस सैड स्पेक्टिकल मैं पूरे दो घंटे इस बुरे नज़ारे को इस सीन को देखता रहा. एंड देन मर्सीफुल यूशर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूलस्केप विद ऑल द अदर्स और फिर मेरे मेहरबान असातिज़ा ने मर्सीफुल यानी काइंड मेहरबान यूशर्स पेपर कलेक्टर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूलस्केप उन्होंने मेरा पेपर उठाया फूलस्केप का मतलब है पेपर विद ऑल द अदर्स बाकी सब के साथ एंड कैरीड इट अप टू द हेडमास्टर्स टेबल और इसको हेडमास्टर के मेज तक पहुंचा दिया. इट वॉज़ फ्रॉम दी स्लेंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप अब राइटर जो है वो उन स्याही के धब्बों को जिनके बारे में वो सोचता रहा पूरे दो घंटे के कहाँ से आए हैं उनको मेंशन कर रहा है कि ये मेरे स्लेंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप थे कि ये मेरे स्कॉलरशिप यानी मेरे इल्म के स्लेंडर इंडिकेशंस उनकी छोटी छोटी मामूली सी अलामत थी. दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन कि जिनको देख के हेडमास्टर साहब इस नतीजे पे पहुँचे दैट आई वॉज वर्दी टू पास इनटू हैरो कि मैं हैरो में दाखिले के काबिल हूँ यानी वो स्याही के धब्बे
और उसने पेपर पे कुछ नहीं लिखा था, वो हेडमास्टर की तारीफ़ कर रहा है कि कैसा ज़हीन आदमी था, कि सिर्फ उन स्याही के धब्बों को देखकर उसने जांच लिया कि मैं उसके स्कूल में पढ़ने के काबिल हूँ। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट। तो ये यकीनी तौर पे मेरे हेडमास्टर का एजाज़ है। क्रेडिट होना का मतलब जब आप किसी को रिगार्ड करते हैं। इट शोड दैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सर्फेस ऑफ थिंग्स। इससे पता चला कि वह कैसे ऐसे इंसान थे जो चीज़ों को ज़ाहरी सतह से नीचे देखते हैं, डीपर देखते हैं। अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस। एक ऐसा आदमी जो कि पेपर पे इन्हिसार नहीं करता, पेपर मैनिफेस्टेशन यानी ज़ाहरी अलामात पर इन्हिसार नहीं करता। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम। और मैं हमेशा उनको कद्र मंजिलत की निगाह से देखता हूँ। और बेटे यही वो बात है जो बाद में सच साबित हुई, क्योंकि यही स्टूडेंट जो अपने लैटिन के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पाया था, बाद में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। हम यहाँ पर रुकते हैं, बाकी लेसन का पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सी यू टुमारो।